सर्वार्थ साधिके शरणेतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इधर मैं आपको किस दिन को कौन सा कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, बिना मेहनत के आपको उस ग्रह के उस दिन के सहयोग से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जैसे मैंने आपको साथियों मैंने ज्योतिष विषय में आपको चीज़ें बताई हैं कि कैसे ज्योतिष के माध्यम से समय अनुकूल प्रतिकूल जानकर कार्य करने से सफलता प्राप्त होती होती है, कैसे यदि आपका समय खराब होता है तो उस समय को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, समय खराब है तो कैसे हम पूजा पाठ करके इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियो बता रखी हैं। इन वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ किस दिन को कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पर ही बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का समय से लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में आपको मैं शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए बताने जा रहा हूँ। साथियों, जैसे मैंने बताया कि आज के समय में रोज़ प्रतिदिन कहीं के रोज सब यात्रा करते हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए आपको यात्रा करनी है तो उन दिनों का चुनाव कर लेते हैं, किस दिन को काम करने से यात्रा करने से वो हमारा काम सफल होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शनिवार के दिन आप जानते हैं कि शनि का दिन होता है, उस शनि न्याय के देवता होते हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रतिनिधि होते हैं। तो शनिवार के दिन यदि आप पश्चिम में दक्षिण में अथवा दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में यात्रा करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तकनीकी शिक्षा, कला मशीनरी संबंधित ज्ञान, जैसे कि आप आईटीआई करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो तकनीकी ज्ञान के लिए शनिवार का दिन अच्छा होता है और अंग्रेजी उर्दू फारसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी यह दिन, जिसे प्रथम दिन जिससे कि आपको कहीं एडमिशन लेना है इन चीज़ों के लिए, तो आप शनिवार दिन एडमिशन लेंगे, शनिवार दिन पढ़ाई शुरू करेंगे, शनिवार दिन वो कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और उद्योग व्यापार धंधे में मशीनरी का उद्योग धंधा हो, लोहा हो, लकड़ी हो, चमड़े का उद्योग हो, सीमेंट हो, तेल का कोई कारोबार हो, पेट्रोल हो, और आपका शस्त्रों का क्रय विक्रय हो, ठेकेदारी के कार्य हो, पत्थर है, लोहा है, सीमेंट है, इन वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य है, यदि अथवा आप कहीं किसी ऐसे उद्योग में है जिससे कि आपको यहाँ पत्थर खोजना है, लोहा खोजना है, धातुएं खोजनी है, इसके लिए भी दिन यदि आप शनिवार दिन यह शुरू करते हैं तो आपको इसमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। और ऑपरेशन का कार्य है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं वो वृत्त वर्ग में आते हैं, तो शनिवार के दिन यह कार्य के लिए ठीक रहेगा। और विदेश गमन इत्यादि, और वाहन क्रय नहीं करना, वाहन का प्रयोग भी शनिवार के दिन करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो मैंने आपको शनिवार के दिन क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में बताया, और किस दिन नहीं क्या 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 नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस दिन को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें उस दिन वो चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी वो चीज़ करते हैं, तो उसके वजह से उस ग्रह का, उस जो ग्रह का जो देवता है, उस दिन का जो स्वामी है, उसका हमें को भाजन करना बनना पड़ता है, इसलिए हमें जीवन में हमें परेशानी आ जाती है। तो आपने हमारे वीडियो को कायदे से देखा, अंत तक देखा आपने, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।